हेलो चिल्ड्रेन, आई एम विनोद सर फ्रॉम एस एम पब्लिक स्कूल उत्रीसपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9th के गणित के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण या वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप दशमलव निरूपण सीख चुके हैं कक्षा 6, 7, 8 तक, परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, वर्गमूल से घनमूल से, ये आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पर हम उसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या हम दशमलव प्रसार से वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय का जो विभाजन है वो कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में भेद करने के लिए क्या हम दशमलव प्रसारों का प्रयोग कर सकते हैं, ये मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो दशमलव प्रसार का अध्ययन हम यहाँ करने चल रहे हैं, इसमें क्या हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में भेद कर सकते हैं दशमलव प्रसार की सहायता से। तो हम पहले चलते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। पहले हम चलते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, जिनसे आप परिचित हो चुके हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, देखो बेटा, आप जानते हैं जैसे एक संख्या हमने ले लिया 1/3, एक संख्या ले लिया 1/7, एक संख्या ले लिया 3/8, इस तरह से हमने 3 संख्याएं ली। अब इन तीनों संख्याओं का हम दशमलव निरूपण ज्ञात करते हैं। तो दशमलव निरूपण ज्ञात करने का तरीका आप कक्षा 6, 7, 8 क्या आप 5 से ही सीखते चले आ रहे हैं कि अंश में हर का भाग कर देते हैं, अंश में हर का भाग कर देते हैं तो दशमलव हो जाता है, उसका दशमलव निरूपण हो जाता है। अब जैसे हम पहली संख्या लेते हैं 1/3, तो 1/3 का दशमलव निरूपण जब ज्ञात करेंगे तो 1 में 3 का 3 से भाग करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहां हो जाएगा 10, 3 * 9, 1 बचा। अब चूंकि यहां 1 है तो 1 वास्तव में 1 को हमें 1.0 लिखना चाहिए, तरीका यही है, लेकिन परिपाटी में 1 को 1 लिख देते हैं। अब इसके बाद असंख्य 0 मेरे पास है, फिर 0 उतरेगा, फिर 3 * 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 उतर जाएगा, फिर 3 * 9, फिर अब ये आप देख लें कि ये फिर कभी नहीं कट रहा, ये आप चाहे जितनी बार ले जाएंगे बार, सदैव दशमलव 3, 3, 3, 3, 3 कितनी बार आएगा, असंख्य बार कटेगा ही नहीं। यानी इसका जब दशमलव प्रसार हमने किया तो इसका पूरा पूरा नहीं कटा, यानी इसका अंत नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं, 1/7 को लेते हैं, यानी 1/3 को अब हम लिख सकते हैं, 1/3 को लिख सकते हैं 0.3333, ऐसे एंड सो ऑन डॉट कर देते हैं, इसका मतलब अनंत बार, इसका प्रसार अनंत बार हुआ। अब 1/7 को जब लेते हैं तो इसमें 1 में 7 का भाग करते हैं हो जाता है दशमलव बढ़ाएंगे, तो यहां भी 7 * 1 = 7 कितना आया 3। अब जब दशमलव बढ़ गया तो 0 उतारने के लिए स्वतंत्र है, 7 * 4 = 28 कितना आया 2, 20 हुआ, 7 * 2 = 14 कितना आया 6, 0 बढ़ा 60, 7 * 8 = 56, 4 * 60 = 40 40 हुआ, 7 * 5 = 35 कितना आया 5, 50 हुआ, 7 * 7 = 49 घटाएंगे कितना आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहां देखिए फिर घटाने पर आ गया 1, 50 में 49 घटाए फिर 1 आ गया, यानी जहां से हम चले थे वहीं भी पहुंच गए। अब फिर जब यहां 0 बढ़ाएंगे 10, फिर 7 * 1 = 7 फिर 3 आया, 7 * 4 = 28 फिर 7 * 2 = 14 7 * 8 = 56 यानी ये कभी नहीं कटना है। ये 1/7 इसका जब दशमलव निरूपण करेंगे इसमें भी असंख्य संख्याएं प्राप्त होंगी, लेकिन इतनी संख्या बार बार दोहराई जाएगी। यानी 1/7 का जो दशमलव निरूपण है इसको लिख सकते हैं 0.14285 7, यही संख्या बार बार दोहराई जाएगी, इसके ऊपर एक हम पाई बार खींच देते हैं तो बताया जाएगा कि यह संख्या समूह
कितनी बार? असंख्य बार दोहराया जाएगा, कभी नहीं कटेगा। ये भी आप भाग देते रहेंगे विभाजन की संक्रिया चलती रहेगी, लेकिन ये कभी कटेगा नहीं। दो प्राप्त हुआ ये हमको, जिसमें एक अंक केवल तीन बार बार दोहराया जा रहा है, इसमें तीन तीन छह छह संख्याएं बार बार दोहराई जा रही है। अब यहां पर आप देखिए तीसरी संख्या जो है वो 3/8 है। अब 3 में 8 का जब हम भाग देंगे या दशमलव बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 8 3 24 आया कितना 6 हो गया 60, 8 7 56 आया कितना 4 हो गया 40, 8 5 40। अब यहां पर देखिए पूरा कट गया, ये हो गया पूरा कट गया, तो 1/8 को हम लिख देंगे 0.375 0.375, ये पूरा कट गया। अब यहां पर देखिए हमको दो तरह की बातें प्राप्त हुई, एक का दशमलव निरूपण पूरा कट गया, इसे हम कहते हैं शांत दशमलव निरूपण। ये शांत दशमलव निरूपण है परिमेय संख्याओं का, शांत दशमलव निरूपण परिमेय संख्याओं का। शांत का अर्थ था सधन अंत, अकसवर्ण दीर्घ अधन बराबरा, तो सधन अंत सहित अर्थात जिसका अंत हो जाए, यानी जब हम विभाजन की संक्रिया करें तो वहां अंत हो गया उसका, इसका दशमलव निरूपण शांत हुआ। और जिसका अंत नहीं हुआ उसे कहते हैं, उसमें उपसर्ग अ लगा देंगे तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव निरूपण। क्या हुआ? अशांत दशमलव निरूपण मतलब जिसका अंत न हो, अशांत दशमलव निरूपण, यानी परिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण है वो दो तरह का होता है, एक तो शांत दशमलव निरूपण होता है और एक होता है शांत दशमलव निरूपण, और दूसरा होता है अशांत दशमलव निरूपण। यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण हमें दो तरह का प्राप्त हुआ, एक शांत और एक अशांत। अशांत में देखिए, अशांत जो दशमलव निरूपण परिमेय संख्याओं का प्राप्त होता है उसमें कोई संख्या, जैसे इसमें 3 बार दोहराया जा रहा है, एक ही संख्या 3 बार दोहराया जा रहा है, तो और इसमें कई एक संख्या समूह जो है, यह संख्या समूह पूरा बार दोहराया जा रहा है, तो इसीलिए इसको अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती, आवर्ती माने बार दोहराना, आवर्तिता पाई जाती है, अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण। आज आपको हमने दो बातें सिखाई, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण दो तरह का होता है, एक होता है शांत दशमलव निरूपण और एक होता है अशांत दशमलव। अशांत में दो तरह के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, इसमें आवर्तन नहीं पाई जाती, लेकिन परिमेय संख्याएं जो हैं वो अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण ही प्रकट करती हैं, और या तो फिर शांत, वो अशांत अनावर्ती नहीं होती। तो इस तरह से आपने देखा कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण है वो दो तरह का होता है। अभी हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिसमें आप देखते ही जान जाएंगे बिना भाग किए किसका दशमलव निरूपण शांत होना है कि अशांत, लेकिन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर ले तब आप जो प्रश्नावली 1.3 है इसका 1.3 ही है दशमलव निरूपण, इसको हम अपने मन से आपको बता रहे हैं, अभी प्रश्नावली को फेयर में मत करिएगा, इसको हल ये तो लिख लीजिएगा लेकिन ये मत लिखिएगा फेयर में, अभी केवल आप इसका जितना दिया है सबका दशमलव निरूपण ज्ञात करना और देखना कि किसका शांत है किसका अशांत है और किसका अशांत आवर्ती निरूपण है, इतना करके हमको भेजिए, भाग विधि से करना। फिर आपको हम एक ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिसको कि आप देखते ही जान जाएंगे कि इसका दशमलव निरूपण शांत होगा किसका अशांत होगा। सर आप ये खींचिए तो पूरे से बोले। हाँ, ये पहला सवाल आप देख रहे हैं ना, इसको भाग विधि से सबका दशमलव निरूपण ज्ञात करना है आपको, और उसमें से तब आपको लिखना है शांत और अशांत। ये काम कर लीजिए पहले आप, फिर उसके बाद हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, तब आप उसको फेयर में करिएगा, केवल आप उसको देखते ही जो आपने देखा तो आप जान जाएंगे किसका दशमलव निरूपण शांत है कि अशांत, ये बताएंगे। और ये बताएंगे कि दशमलव को फिर भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये आपने सीखा है, लेकिन दशमलव संख्या निरूपण को परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे ये हम सिखाएंगे यहाँ एक नई विधि। नई विधि का मतलब जिसका शांत है उसका तो आप जानते हैं,
लेकिन जिसका आसान था उसकी ट्रिक्स हम बताएंगे आपको, फिर आप सीखेंगे। तो कल के वीडियो में ये अगर आप हल करके भेज देंगे तो कल के वीडियो में, नहीं जब हल करके आप इसको भेजेंगे तो फिर परसों के वीडियो में हम आपको फिर उसको देंगे। ओके okay?